नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय मोदी कर हेल्थ एंड वेल्थ में। जी हाँ, इस समय हम मोदी कर की बात नहीं करेंगे, इस समय हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस बहुत ही कोरोना से लोगों को बहुत ही मुश्किल हो रही है, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की, जिसमें कि आपको दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि खाना, राशन, ई पास या कोई और एमरजेंसी। ठीक है, आप चाहे तो कॉल करके गवर्नमेंट के, जैसे 1 0 7 Y हेल्प एंड दिल्ली गवर्नमेंट का अलग से नंबर है, आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आजकल सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है epass.janta.gov.in। तो इस पर आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल में ये ऐप खोली हुई है, वेबसाइट खोली हुई है। तो इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में जानकारी ले सकते हैं या फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फूड रिक्वायर्ड, जैसे कि आपको बना बनाया खाना चाहिए, आपके पास गैस भी नहीं है, कोई और साधन नहीं है पकाने का, तो आप पास के फूड सेंटर पर जा सकते हैं। राशन रिक्वायर्ड, या अगर आपके घर में राशन खत्म हो गया तो आप राशन ले सकते हैं। कंपनसेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास वर्कर हैं जिनको आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, लेबर हैं, तो उनको आप 5,000 रुपये का कंपनसेशन ले सकते हैं। ऐसे पेंशन अगर आपकी नहीं आई है तो आप पेंशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेवल करना है कर्फ्यू के दौरान तो ई पास भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, इसका आप लाभ उठाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मान लो हमारे पास फूड नहीं है, तो हम देखते हैं क्या चाहिए इसमें। सबमिट किया फूड रिक्वायर्ड, इसमें सिर्फ आपको नाम, नंबर और एड्रेस देना है, तो दिल्ली गवर्नमेंट आपके डोर तक फूड प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर आपको नज़दीकी सेंटर का पता बता सकती है। दूसरा हमने देखा राशन रिक्वायर्ड, मान लो हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया, आटा दाल चावल चीनी, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम, नंबर और एड्रेस देना है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं कंपनसेशन फॉर वर्कर, इसमें भी आपको नाम, नंबर और एड्रेस ही देना है। चौथा ऑप्शन हम देते हैं पेंशन अमाउंट, इसमें भी आपको नाम, नंबर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा कोई जानकारी नहीं देनी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी शायद इसको लागू करेंगे, तो आप इसको शेयर करेंगे तो ज़रूर लागू करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ई पास फॉर ट्रेवल ड्यूरिंग कर्फ्यू, अगर हमें दिल्ली में कहीं जाना है जो इमरजेंसी है उसके लिए हमें क्या है। तो इसमें आपको एक आईडी प्रूफ ही देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कैसे पता लगेगा क्या है। आपका ऑफिस का नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस दे रहे हैं आप, फूड आइटम्स आप डिलीवर करते हैं या बेचते हैं, जनरल प्रोविजन स्टोर है, टेक अवे होम डिलीवरी है, ई कॉमर्स है, फेयर प्राइस शॉप है, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क प्लांट्स, कैशियर, केमिस्ट, प्रिंट एंड मीडिया, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ओनली फॉर सैलरी वेजेस, कंटेनिंग हेल्थ एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम, इंटरनेट, पेट्रोल पंप्स, एनिमल फूड, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, सेक्रेटरी ऑफ सर्विसेज, फायर, प्रिजन, म्यूनसिपल सर्विसेज, ऑफिस चार्ज विद लॉ, पुलिस, एनी अदर एसेंशियल सर्विस। कब से कब तक आपको चाहिए, टाइम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट में है, आईडी प्रूफ एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट लाइक विजिट कार्ड, शो बिजनेस, ताकि पता लग सके हाँ ये सब इस बिजनेस से लिंक्ड है, एक आपका पर्सनल आईडी कार्ड, एक बिजनेस से लिंक्ड कोई लाइसेंस या विजिट कार्ड वगैरह। ठीक है, तो ये सब डालकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, आपके पास फ़ोन आ जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, इसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया हो, आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़रूरत में लोगों को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।